फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राउंड मैथ क्लासेस के इस ऑनलाइन वीडियो चैनल पर। जैसा कि आपको ध्यान है, कल से मैंने एसीएफ, एफआरओ और फर्स्ट ग्रेड तीनों में ये जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन या एलजेब्रा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने की बात की थी। तो दोस्तों, मैं आज से कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो सभी आरपीएससी या यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, इसी सीरीज में मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, मैं चूज किया है कि इक्वेशन मैंने लिखा है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल रूट्स। हमको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन है तो मुझे इसके तीन रूट मिलेंगे। दिया क्या हुआ है, इसके दो रूट इक्वल हैं, मुझे वो रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट द रूट्स बी, दोस्तों मैंने माना कि रूट जो है वो अल्फा अल्फा और बीटा है, क्योंकि गिवन क्या है, द रूट्स टू इक्वल रूट्स, तो मैंने तीन रूट्स मुझे लेने ही है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो दो इक्वल रूट्स में मैंने एक अल्फा लिया, दूसरा भी अल्फा ले लिया और तीसरा बीटा ले लिया। इसकी वजह अगर आप अल्फा बीटा गामा लेते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती सवाल सॉल्व करने में, सवाल सॉल्व हो जाता लेकिन लेंदी हो जाता। आप इस तरीके सवाल को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स मोलों का योग, अल्फा प्लस बीटा, आप जान सकते हैं कितना हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसलिए रूट्स का सम जो है दोस्तों वो मेरे पास हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, दैट इज माइनस का टू अल्फा। मैं इसको इक्वेशन नंबर वन डाल देता हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो आप जानते हैं अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस का टू। आपको पता है कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बेसिक बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का ए थ्री अपॉन ए जीरो। आपको पता है ए थ्री की वैल्यू मेरे को टू है, माइनस आई गई, ए जीरो मतलब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दैट इज वन, तो माइनस का टू। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि बीटा के वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से और इसके क्वेश्चन नंबर टू में रख देता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर टू, देखिए क्या मिलेगा मुझे, अल्फा स्क्वायर बीटा के लिए दोस्तों मैं रख देता हूँ माइनस का टू अल्फा इक्वल टू माइनस का टू। तो आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल, टू टू कैंसिल, मुझे क्या मिलेगा, दैट इज अल्फा क्यूब इक्वल टू वन। मतलब अल्फा क्यूब इक्वल टू वन है तो आपको पता ही है कि मुझे तीन रूट मिलेंगे, इसमें से दो रूट होंगे वो कंजुगेट होंगे मतलब इमेजिनरी होंगे और एक ही रूट जो है मुझे रियल मिलेगा, एंड दैट इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू वन आ गई तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, मुझे माइनस टू अल्फा। इफ आई पुट दिस वैल्यू इन दिस गिवन इक्वेशन तो आई विल गेट बीटा की दोस्तों मुझे मिलेगी माइनस का टू। दोस्तों आप बता सकते हो कि रूट क्या होंगे, इसके रूट्स जो वैल्यू आएगी वो रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा अल्फा और बीटा थे तो दैट इज वन वन और माइनस टू, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में उल्टा होता है, पूछा जाता है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन के करा दूंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के हैं। इसके बाद हम गार्डन मेथड्स भी पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। इफ द रेशियो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज आर, देन आर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विल बी। दोस्तों उसको पूछा है ये जो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो रूट होंगे, उनके बीच रिलेशन क्या है, रेशियो ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, गिवन है मुझे आर के बराबर दिया हुआ है, गिवन है। तो वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन,
मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या गिवन है, गिवन अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल टू आर। अब देखिए बार बार मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ ना, नेट रूट भी अल्फा बीटा, ये मुझे गिवन है। सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा ए सी अपॉन ए। ये अब तक रहते ही बार बार यूज करता है। अब देखिए अब हम कैसे यूज में लेके आएंगे, अब जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसमें मैं वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। आर के लिए दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, अल्फा अपॉन बीटा, देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा। इसको मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मेरा नीचे आएगा जो अल्फा अपॉन बीटा से एक बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों मुझे एक्सप्रेशन क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में क्या जानता हूँ, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास दोस्तों, दैट इज सी अपॉन ए। तो आप जान सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर जो है वो बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि जनरली आता रहता है यूपीएससी के एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, या आरएसपी के जो पुराने पेपर थे वहाँ पर आप इस प्रकार क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2011 का पेपर था, उसमें पूछा भी जा चुका है। मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तीसरे पेपर का क्वेश्चन, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी 2011 फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, if alpha beta gamma are the roots of equation, given equation है मेरे पास में, that is x cube minus x square plus 2x minus r equal to 0, ये मुझे एक cubic equation given है, वो पूछ रहा है find alpha plus beta bracket 1 beta plus gamma bracket 1 and gamma plus alpha will be, इसकी value क्या होगी मुझे निकालना है। मैं बता दूं एक बार, ये क्वेश्चन आरपीएससी 2011 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और भी ज्यादा। देखिए सिंपल सी बात है कि मुझे एक गिवन, एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। नाउ लेट रूट्स, रूट्स मेरे को अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ, तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज कल जो बताया था मैंने माइनस माइनस पी अपॉन वन, दैट इज पी, इक्वेशन नंबर वन आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज क्यू, ये भी आपको पता है। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, दैट इज वैल्यू क्या आएगी इसकी, आर, आर मतलब माइनस आर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस आर डिवाइडेड बाय वन इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन मुझे मिल गए, अब जो मुझे काम है वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए। देखिए अब जो अल्फा और बीटा के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से पी माइनस गामा, बीटा प्लस गामा के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा पी माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा पी माइनस बीटा। ये देख लीजिएगा, बता देता हूँ वापिस, अल्फा प्लस बीटा के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा p माइनस गामा, इक्वेशन नंबर वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन, अल्फा प्लस बीटा के दोस्तों मैं रखूंगा p माइनस गामा, बीटा प्लस गामा के लिए मैं रख पाऊंगा p माइनस अल्फा, और गामा प्लस अल्फा के दोस्तों रखूंगा p माइनस बीटा। ये तीनों रखने के बाद आप जब इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको सवाल बनेगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये हमको टर्म्स प्राप्त होंगी जब आप तीनों ही ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, दैट इज द पी है प्लस पी, इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या आ जाएगा क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है आर,
ये दोनों कैंसल दोस्तों, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी पी क्यू माइनस आर, ये इसका मुझे आंसर मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो आप तीन क्वेश्चन मैंने करवाए, तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर, और आपके दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।